hotel, the Grand Palace, Indoor Dormitory Hall, Banquet Hall, Conference Hall, Vishal Parking Area, Pure Veg Family Restaurant, Pata hai, Sai Vatika ke paas, Bhopal Road, Sagar. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अचानक बिगड़ी तबीयत, सोमवार का विदिशा दौरा हुआ रद्द, सीएम को हल्का बुखार और गले में खराश होने की शिकायत के अलावा बोलने में हो रही तकलीफ, डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह। सावन महीने के आखिरी सोमवार को सागर जिले के खुरई के ऑडिटोरियम के पास से निकाली गई महाकाल पालकी यात्रा, सैकड़ों की संख्या में भक्त हुए शामिल, पालकी यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। सावन के आखिरी सोमवार के दिन सागर जिले के खुरई शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, भक्त शिव की आराधना करने में जुटे रहे। इस दिन अभिषेक का भी होता है विशेष महत्व, भक्तों की हर मनोकामना होती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत राउंड 3 सिटी में सागर को देश में दूसरे बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी अवार्ड हासिल करने में विशेष योगदान के लिए सागर स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह राजपूत का हुआ सम्मान। सागर के पीडीसी ग्राउंड में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रशस्ति पत्र से किया सम्मानित। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सागर जिले के खुरई में जगह जगह झंडा वंदन का कार्यक्रम हुआ आयोजित। सरकारी कार्यालयों सहित निजी संस्थानों में फहराया गया तिरंगा झंडा, नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस के दिन सागर जिले के खुरई न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों और अधिवक्ता संघ ने किया वृक्षारोपण, जहां जिला न्यायाधीश प्रशांत निगम समेत अन्य न्यायाधीशों और वकीलों ने वृक्षारोपण कर पेड़ पौधे लगाने की लोगों से की अपील। स्वतंत्रता दिवस के दिन सागर के खुरई शहरी थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से आपसी भाईचारे को बढ़ाने निकाली बाइक रैली, नगर के कई मार्गों से होकर निकली ये बाइक रैली। सागर में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल के लिए हो रहे ऑनलाइन सर्वे में शामिल होकर बता सकते हैं लोग, सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में होने चाहिए क्या सुधार, नागरिकों के सुझाव के आधार पर सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, आरामदायक, सस्ता और बनाया जाएगा विश्वसनीय, बनाई गई है इसके लिए ऑनलाइन लिंक। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक का 21 अगस्त को हो रहा है सागर आगमन, इसको लेकर तैयारियां हुई शुरू। नगर विधायक शैलेंद्र जैन और भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने आगामी दौरे के संबंध में ली तैयारी बैठक। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एमपी के सिंगरौली में हैवानियत की हदें हुई पार, 60 साल की बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का मामला आया सामने। घर जाते समय आरोपियों ने बारी बारी से किया दुष्कर्म, महिला की बहन को बनाया बंधक, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी नाबालिग, बिंद नगर थाना क्षेत्र की घटना। सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत सागर में चल रहे विकास कार्य और विकास की नई योजनाओं के लिए शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का एक सलाहकार मंडल का किया गठन, स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कामों की मॉनिटरिंग कर करेंगे निरीक्षण। सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, सागर के सानोदा गांव स्थित शाला मंदिर परिसर में रुद्री निर्माण का किया गया आयोजन। पंडित गौरीशंकर महाराज के सानिध्य में गाँव वासियों के सहयोग से 3 दिन तक रुद्री निर्माण का हुआ आयोजन। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डॉर्मेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।